हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुपम चौधरी और इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्किन वाइटनिंग होममेड स्क्रब बताने जा रही हूँ, जो बहुत ही बढ़िया काम करेगा हमारी स्किन से डेड सेल्स को हटाने में। हमारी स्किन पे अगर सन टैन की वजह से कालापन आ गया, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से सही करेगा। हमारे फेस पे ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, कहीं भी कालापन है हमारी स्किन पर है, गर्दन पर है, कोहनी वगैरह पर कहीं कालापन है, उसको ये सही करेगा। अंडर आर्म्स पर हमारे कालेपन की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, उसको ये सही करेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी स्किन पे ये ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। फ्रेंड्स, हम इसको अपने फेस पर भी, अपने बॉडी पर, दोनों पर हम इसको यूज कर सकते हैं। और जो इसकी सबसे अच्छी बात है, हम इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, और ये बहुत इजीली हमारे घर पर ही जो सामान अवेलेबल है उसी से ही ये बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो हम लेंगे इसमें बहुत ही बढ़िया स्किन वाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, जो हमारी स्किन को नेचुरली गोरा करेगा। और दूसरा जो हम इसमें लेंगे वो ये, मैंने फ्लैक्सीड पाउडर लिया है। ये जो अलसी के बीज होते हैं, इसको भी हमने घर में मिक्सी में पीस लेंगे। इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी का ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है, जो हमारी स्किन पे बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। हम एक चम्मच इसका भी लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट फ्रेंड्स हम इसमें मिक्स करेंगे, वो है हमारा ये ग्रीन टी। ये एक पाउच हम ग्रीन टी का भी लेंगे और वो भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है इसमें, वो मैंने ये सौंफ को बारीक पीस लिया है मिक्सी में भी। एक चम्मच सौंफ का लेंगे और उसको हम बारीक पीस के वो भी इसको मिक्स कर लेंगे। इन चारों को हम बहुत अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे। इसको हम इजीली स्टोर करके भी रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब एक सही तरीका क्या है इसको अपनी बॉडी पे या फेस पे लगाने का, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, इसे हमें जब भी यूज़ करना है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना हमें स्क्रब चाहिए उतना हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें हम खीरे का जूस मिक्स करेंगे। खीरे का जूस फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया काम करता है हमारी स्किन पर, जितने भी ब्लेमिशेस वगैरह की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स हैं, उसमें सभी को सही करने में बहुत अच्छा काम करता है। अगर हमारी स्किन ड्राई है तो हम इसको दूध में भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से हम थिक पेस्ट इसका तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, इसे हमें जब भी यूज़ करना है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना हमें स्क्रब चाहिए उतना हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसमें हम खीरे का जूस मिक्स करेंगे। खीरे का जूस फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया काम करता है हमारी स्किन पर, जितने भी ब्लेमिशेस वगैरह की प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स हैं, उसमें सभी को सही करने में बहुत अच्छा काम करता है। अगर हमारी स्किन ड्राई है तो हम इसको दूध में भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से हम थिक पेस्ट इसका तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम अपनी बॉडी पे स्क्रब को यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ पानी से हमें धुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद में हम स्क्रब की क्वांटिटी लेंगे और इस तरीके से अपनी बॉडी पे मसाज करेंगे उसकी। 5 to 10 मिनट्स हम इसकी इसी तरह से मसाज करेंगे और फिर 5 मिनट्स के लिए इसी तरह से लगा रहने देंगे। उसके बाद हम प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे। इससे हमारी बॉडी की, फेस की जितनी भी डेड स्किन है वो सारा हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम इसे प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव स्क्रब है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, स्क्रब हमें हफ्ते में 2 या 3 बार करना चाहिए बस, हमें डेली स्क्रब नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करिएगा और FB पे मेरे पेज रॉयल स्टाइल को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, उसके साथ जो बेल बटन है उसको आप ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बहुत ही जल्दी मिलती है एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक लव यू ऑल, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।